नमस्कार दोस्तों, मैं पीताम्बर सिन्हा आपके अपने ही YouTube चैनल एनिमेशन विद पीताम्बर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो एनिमेशन सिखाने वाला हूँ वो एक बार देखिए। मोमोस ले लो, मोमोस गरम गरम ताजी ताजी मोमोस, मोमोस ले लो, मोमोस। मोमोस वाला भैया चल ना, मोमोस खाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। भैया तू तो बहुत डरपोक है, मैं जा रही हूँ खाने। तो गाइस, आप भी अपने स्टोरी के लिए इसी प्रकार की सीन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम बीजी इम्पोर्ट करते हैं। तो ये मैंने बीजी इम्पोर्ट कर दिया है। अब मैं इसे एफेट कर सिम्बॉल में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, एफेट किया, सिम्बॉल में कन्वर्ट किया। ठीक है, सिंबल कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ हम दो लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, दो लेयर क्रिएट किए। अब इसमें हम एक लेयर में कैरेक्टर को लाएंगे और दूसरे लेयर में ठेले को। ठीक है, तो दोनों को इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने कैरेक्टर और ठेले को इंपोर्ट कर लिया है, इस तरह इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस घर के सामने ऐसे सेट करता हूँ। ठीक है, जहां से मुझे एनिमेशन करना है, यहां से एनिमेशन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम इसको सेट करते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ सेट कर लिए, ऐसे यहाँ इसको सेट कर लिए। इसके बाद हम इसके फ्रेम को बढ़ा देंगे। इसके फ्रेम को हम 6 सेकंड तक ऐसे बढ़ा दिए, F5 कर दिए। ठीक है, F5 कर लिया इस तरह। तो देखिए, हमने इसमें पहले से एनिमेशन कर लिए थे, इस तरह से देखिए ये एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, चल रहा है, इसका चक्का जो है इस तरह से चल रहा है और इसका पैर भी इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी पहले एनिमेशन कर लेना है, उसके बाद इस तरह कंपाइलिंग करना है। अब हमको साउंड इंपोर्ट करना है, तो ये मैंने साउंड इंपोर्ट कर लिया है इस तरह से। अब इसको प्ले करके देखते हैं। मोमोस ले लो, ठीक है, मोमोस ले लो करके। तो हम अब इसको ऑन करते हैं इस तरह से। तो अब जितना सीन पर रहेगा हमारा, जितना स्टेज पर ही रहेगा उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना हमारा स्टेज है, इतना ही दिखाई देगा। तो हम इसको थोड़ा आगे और कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। इसको भी ऐसे पकड़ करके ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसके वॉइस कहाँ तक खत्म हो रहा है, वॉइस जो है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक 170 फ्रेम तक, 160 फ्रेम तक खत्म हो रहा है। इसके वॉइस जो है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, आपके वॉइस जहां पर खत्म हो वहां इस तरह से एक F6 कर दीजिएगा। ठीक है, की लगा दीजिएगा। तो हमारा वॉइस यहाँ तक खत्म हुआ, यहीं तक हम इसको F6 कर दिए। यहीं तक हम इसको चलाना चाहते हैं। ठीक है, यहीं तक हम इसको चलाना चाहते हैं, यहीं तक ये यहां से यहां तक आएगा। इस इतने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां तक आएगा, उसके बाद सीन खत्म। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां तक लगा दी। आपको जहां तक चलाना है इसको, वहां तक आप इस तरह की लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां 170 पर की लगा दिया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अब मैं इस दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट किया और इस तरह स्विफ्ट एरो के साथ आगे ले आया ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसमें क्लासिक ट्यून ऐसे ऐड कर दिया, क्लासिक ट्यून ऐड कर दिया। तो इस तरह इसको प्ले करके देखते हैं फास्ट है कि क्या है। इसको प्ले करके देखते हैं इसकी स्पीड सही है कि नहीं। मोमोस ले लो, मोमोस गरम गरम ताजी ताजी मोमोस। देखिए इसकी स्पीड अभी सही है। अगर आपका स्पीड सही नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर बढ़ा सकते हैं, ऐसे F5 कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो ऐसे हम F5 कर सकते हैं, और स्पीड कम लग रहा है आपको तो यहां से स्विफ्ट F5 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह स्विफ्ट F5 करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, F5 करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, मोमोस ले लो, मोमोस। तो फिलहाल अभी इसकी स्पीड जो है सही है, तो हम यहीं पर इसको रहने देते हैं। गरम गरम ताजी ताजी मोमोस। ठीक है, अब हमें पूरे बीजी को जूम करना है, पैनिक करना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसे पैनिक करना है। तो पैनिक करने के लिए क्या करेंगे, यहां से तो पैनिक करने के लिए अपन बाहर आएंगे, ऐसे बाहर आए पैनिक करने के लिए, ऐसे बाहर आएंगे, सीन पर आएंगे, बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद ऐसे हम जहां तक अंदर फ्रेम रखे हैं वहीं तक इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अंदर हमने कितने में रखे हैं, 170 तक रखे हैं, तो यहां 180 कर देते हैं। ठीक है, 180 तक हमने यहां F5 कर दिया। हम इसको ऐसे प्ले करते हैं तो ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा पैनिक देते हैं, यहां पर F6 किए, F6 कर हम इसमें क्लासिक टू एड करेंगे, क्लासिक टू एड किए। अब ऐसे की को सेलेक्ट करेंगे, की को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस किए और हल्का सा बढ़ा देंगे, कितना 130 करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एस करेंगे,
130 करेंगे, 130 किए एंटर किए, उसके बाद इसको ऐसे सेंटर में लाएंगे ऐसे, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया घर के बाहर का सीन, ठीक है। अब हम घर के अंदर का सीन दिखाते हैं। घर के अंदर का सीन दिखाने के लिए हम यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट किए, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे से न्यू फाइल क्रिएट किए। अब इसमें हम बिजी इंपोर्ट करेंगे रूम का, ठीक है। तो ये मैंने एक बिजी इंपोर्ट कर लिया है। अब इस बिजी को मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूं, ऐसे सेलेक्ट किया, उसके बाद F8 कर सिंबल कर लिया। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह हम डबल क्लिक कर अंदर गए। अंदर करने के बाद हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर कंट्रोल बी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल बी किए तो कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करने के बाद देखिए इसमें जो भी होगा वो अभी समान होगा, वो अलग अलग इस तरह हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा इस तरह। देखिए इसमें जो भी समान होगा वो अलग अलग हो जाएगा इस तरह। देखिए ये अलग हो गया ऐसे, ठीक है। ये भी अलग हो गया इस तरह, ठीक है। ये भी अलग हो गया इस तरह। हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जिस जिस को एनिमेशन करना है उसको अलग लेयर में कर लीजिए। तो हम यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर लिए तो देखिए इस तरह ये अलग अलग लेयर में हो गया है। अब इसमें हम इस तरह दो लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमने दो लेयर क्रिएट किए। अब इसमें हम इम्पोर्ट करेंगे कैरेक्टर को, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ऐसे कॉपी किए यहाँ ले जाकर ऐसे पेस्ट कर दिए, इसको भी ऐसे कॉपी किए यहाँ ले जाकर ऐसे पेस्ट कर दिए। तो ये मैंने दो कैरेक्टर को इम्पोर्ट कर लिया है। अब मैं इस दोनों कैरेक्टर को इस सोफे में बैठाता हूँ, ठीक है। इस तरह सेट करता हूं मैं इसको ऐसे, इसको भी ऐसे, ठीक है। ऐसे ये बैठ के पढ़ेगी। अब देखिए देखते हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि अपना पैर जो है इसके ऊपर रखा है और ये इसके ऊपर बैठा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इसका लेयर जो है सबसे ऊपर में है, ठीक है। इसका लेयर जो है यहाँ ऊपर में है और इस सब का लेयर जो है नीचे में है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा सेलेक्ट करते हैं, इसके लेयर को ऐसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसके लेयर को भी ऐसे ड्रैग करके ऐसे नीचे ले आते हैं, ज्यादा नीचे हो गया तो हम इसको ऐसे ऊपर करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया इसको इस तरह से, इस तरह सेट कर दिया। अब मैं इसके फ्रेम को ऐसे बढ़ाता हूं, ऐसे फ्रेम को बढ़ा लेता हूं। इस तरह मैंने फ्रेम को बढ़ा लिया, इस तरह फ्रेम को बढ़ाया। अब मैं इंपोर्ट करता हूं वॉइस को, तो ये मैंने वॉइस को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसको प्ले करता हूं, ठीक है। मोमोस ले लो मोमोस। अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर इसको ऐसे सीन में ले आता हूं, ठीक है। ऐसे जितना अपना स्टेज है उतने में ले आता हूं। इसको ऑन करता हूं इस तरह, तो देखिए इतना, ठीक है, इतना दिखाई देगा हमें। मोमोस ले लो मोमोस इस तरह। अब मैं यहाँ 45 पर आता हूँ। 45 पर आने के बाद इस तरह मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद F6 से ऐसे इस तरह प्रेस करता हूँ। F6 प्रेस कर की लगा दिया। की लगाने के बाद हम यहाँ कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करने के बाद हम यहाँ 200 एंटर करेंगे। 200 एंटर किया तो ये इतना हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे बीच में लाएंगे, सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद हम इसको कंट्रोल ऑल्ट एस फिर करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट एस करने के बाद यहाँ हम 250 एंटर करेंगे। 250 एंटर किए उसके बाद इसको हम ऐसे सेंटर में लाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं सेंटर में लाता हूँ इसको, ऐसे प्ले करता हूँ। हम मोमोस ले लो मोमोस ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ इस तरह। मैंने इसको प्ले किया, मोमोस मोमोस वाला भैया चल ना मोमोस खाते हैं। नहीं नहीं 220 पर इस तरह हम की लगाएंगे, ऐसे सेलेक्ट कर 220 फ्रेम पर आएंगे। 220 फ्रेम पर आने के बाद ऐसे हम इसको सेलेक्ट कर ऐसे की लगाएंगे। की लगाने के बाद हम यहाँ ऐसे इसको ड्रैग कर यहाँ पर ले आएंगे कैमरा ऐसे, ठीक है। ऐसे ड्रैग कर इसको ऐसे यहाँ पर ले आएंगे कैमरा, कैमरा यहाँ पर ले आए, बॉय के ऊपर ले आएंगे कैमरा, और इसको इस वाले की के आगे एक और की लगाते हैं ऐसे, ठीक है। एक और की लगाया ऐसे, हमने की लगाया उसके बाद ऐसे F6 प्रेस की। F6 प्रेस करने के बाद इसमें कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस कर। कंट्रोल ऑल्ट एस करने के बाद 120 एंटर करेंगे। 120 एंटर करने के बाद यह ऐसे इसको सेंटर में सेट करेंगे। उसके बाद हम ऐसे सभी को सेलेक्ट कर इसमें क्लासिक ट्यून ऐड करते हैं। क्लासिक ट्यून ऐड किया इस तरह, हम इसमें क्लासिक ट्यून ऐड कर लिए। भैया चल ना मोमोज खाते हैं।
अब हम 220 पर आएंगे, 220 पर आए, 220 पर आने के बाद इसमें सेलेक्ट किया ऐसे, ये वाला लेयर कौन सा है देखते हैं, ये वाला लड़के का लेयर कौन सा, ये वाला है ठीक है। इसमें हम यहाँ से F7 करते हैं, F7 करने के बाद इसमें एनिमेशन वाला कैरेक्टर को यहाँ इम्पोर्ट करते हैं ठीक है, पेस्ट करते हैं कि ऐसे इस तरह पेस्ट कर दिया ठीक है, पेस्ट कर दिए तो देखिए ये बड़ा हो गया ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया है। इस तरह से तो हम इसको ऐसे सेट करते हैं, सेट करते हैं, ऑनियन स्किन ऑन किए, ऑनियन स्किन ऑन करने के बाद यहाँ दिखा रहा है पीछे में कि पिछले वाला लेयर कितने में था ठीक है, इतने में था पिछले वाला लेयर जो है, इतने में ऐसे ठीक है। तो हम इतना इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस कर इसको 125 कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। कंट्रोल ऑल्ट एस करते हैं 95 करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस करते हैं 95 करते हैं, ऐसे इस तरह से सेट कर दिया ठीक है। अब इसके ऑनियन स्किन को ऐसे बंद करते हैं, ऑनियन स्किन को ऐसे बंद किए और ये वाला की को ऐसे ऐसे पकड़ करके इसमें यहां ला करके ऐसे छोड़ देंगे ठीक है। तो ये अब हम फ्रेम को ऐसे बढ़ाते हैं, अब हम F5 कर फ्रेम को बढ़ा, अब हम F5 कर ऐसे फ्रेम को बढ़ाते हैं ठीक है, F5 कर इस तरह से हम बढ़ा दिए, इस तरह से हमने फ्रेम को बढ़ा दिया। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। इस तरह यहां से लड़के का वॉइस जो है खत्म हो रहा है, तो हम यहीं पर इस तरह ऐसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद एक की लगाएंगे ठीक है, ऐसे की लगाए, ऐसे की लगाए, की लगाने के बाद हम इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे यहां ले आएंगे ठीक है, ऐसे ड्रैग करके ऐसे ले आए ठीक है। ड्रैग करना है तो सभी को सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि लड़के बस को ड्रैग करना है ठीक है। फिर से दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए पूरे को सेलेक्ट करना है ठीक है, पूरे बीजी जो है ये देखिए सभी सेलेक्ट है, देखिए इस तरह से सभी सेलेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इस लड़के बस को ऐसा सेलेक्ट कर लिए, ऐसे लड़के को सेलेक्ट कर ऐसे ड्रैग नहीं करना है, क्या करना है अपने जितना भी फ्रेम है ठीक है, इतना फ्रेम है उसको ऐसे इस तरह सेलेक्ट करना है। तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी है ये बीजी है, डोर है, मेज है, सोफा है, ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद हमें ऐसे ड्रैग करना है, जिस वाले सीन को लाना है ऐसे हम ऐसे ला सकते हैं ठीक है, इसे ला दिए, इस तरह सेंटर में रखते हैं कैरेक्टर को, इस तरह लाए, उसके बाद हम यहां ऐसे लेयर को बढ़ाएंगे ठीक है, F5 का लेयर को बढ़ा दिए, इसके बाद इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहां हम इसमें F7 प्रेस करते हैं, F7 प्रेस किए, अब यहां पर हम एक्टिंग वाले कैरेक्टर को पेस्ट करेंगे जिसमें हमने एक्टिंग करके रखे हैं ठीक है। देखिए इस वाले फाइल में मैं इस तरह पहले से एक्टिंग करके रखा हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां आता हूं इसको कॉपी करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं ऐसे, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल सी करने के बाद उस वाले फाइल में जाता हूं मैं, इस तरह इसमें गए, इसमें जाने के बाद यहां आता हूं जहां पर मैं F7 किया था वहीं आया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी करूंगा ठीक है, कंट्रोल वी किया तो इस तरह पेस्ट हो गया ठीक है। अब हम इसको ऐसे सेट किए, सेट करने के बाद यहाँ ऑनियन स्किन ऑन करके देखेंगे पिछला वाला लेयर जो है कितने में है, ऑनियन स्किन ऑन करके देखते हैं ऐसे कि पिछला वाला फ्रेम में कहाँ पर है ठीक है, पिछला वाला फ्रेम में यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है ठीक है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे एडजस्ट कर दिया, इसको थोड़ा नीचे करते हैं इतना ठीक है, इतना है, ऐसे जूम करके थोड़ा सा मिला लेते हैं ऐसे, ऐसे यहाँ पर इसको सेट किया, सेट करने के बाद इसके ऑनियन स्किन को ऐसे बंद करेंगे, ऑनियन स्किन को बंद किया, उसके बाद हम ये वाले जो की है इसको पकड़ करके यहाँ पर ला करके ऐसे छोड़ देंगे ठीक है, ऐसा छोड़ दिया तो ये वाला ऐसा हो गया ठीक है, ये वाले की के स्थान पर ये वाला की चला गया ठीक है। उसके बाद इसको प्ले करते हैं, तू तो बहुत डरपोक है, मैं जा रहा हूं, प्ले करते हैं इसको, उसके बाद हम इसमें F5 प्रेस F5 कर यहां तक इसके फ्रेम को ऐसे बढ़ा लेते हैं ठीक है, ऐसे इसके फ्रेम को F5 कर बढ़ा लिए, उसके बाद हम प्ले करते हैं यहां से। भैया तू तो बहुत डरपोक है, मैं जा रही हूं खाने ठीक है। अब इसमें हल्का हल्का पैनिक दे सकते हैं, इसमें ऐसे हम इसको सेलेक्ट किए, सभी लेयर को सेलेक्ट किए, ऐसे की लगाए, की लगाने के बाद हम इसमें कंट्रोल ऑल्ट एस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एस किए 120 करेंगे ठीक है, 120 एंटर किए, इस तरह 120 एंटर करने के बाद यहाँ कैरेक्टर को सेंटर में लाएंगे, कैरेक्टर को सेंटर में लाए, ऐसे सेंटर में लाने के बाद ऐसे सभी को सेलेक्ट करेंगे, लेयर को सेलेक्ट किए सभी लेयर को, उसके बाद क्लासिक ट्यून ऐड कर देंगे ठीक है, क्लासिक ट्यून ऐड कर दिए, इसमें भी हमें
पैनिक देते हैं? नहीं नहीं, तो हम यहाँ आते हैं, ऐसे आए, यहाँ पर आए, ऐसे सेलेक्ट किए सभी लेयर को, की प्रेस किए, ऐसे F6 प्रेस कर, ऐसे की ऐड कर दिए, की ऐड करने के बाद यहाँ कंट्रोल ऑल्ट एस कर, इसमें 128 करेंगे, 128 किए, इस कैरेक्टर को ऐसे सेंटर में लाएंगे, सेंटर में लाए, सेंटर में लाने के बाद इसमें ऐसे क्लासिक ट्यून ऐसे ऐड कर दिए, क्लासिक ट्यून ऐड करने के बाद ऐसे क्लासिक ट्यून ऐड कर दिए, क्लासिक ट्यून ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरह से क्लासिक ट्यून ऐड कर दिए। उसके बाद हम प्ले करके देखते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से ऐसे प्ले करते हैं। मोमोस ले लो, मोमोस, मोमोस वाला भैया चल ना मोमोस खाते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। भैया तू तो बहुत डरपोक है, मैं जा रही हूँ खाने। तो देखिए इसमें अभी इस वाले कैरेक्टर में लिपसिंग नहीं हुआ है, ठीक है, इसके लिपसिंग करते हैं। भैया चल ना मोमोस खाते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। भैया तू तो लिप्स करने के बाद हम प्रीमियम प्रो में इसको एडिट कर देंगे, ठीक है, एडिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। एडिट करने के बाद देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। मोमोस ले लो, मोमोस गरम गरम, ताजी ताजी मोमोस, मोमोस ले लो, मोमोस, मोमोस वाला भैया चल ना मोमोस खाते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। भैया तू तो बहुत डरपोक है, मैं जा रही हूँ खाने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।